हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पिप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, तो जिस तरीके से पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा कि किस तरीके से हमने गोलैंग के साथ काम किया, गोलैंग के सवाल सॉल्व किए, गोलैंग का सिंटेक्स समझा, फाइन को भी हमने इंस्टॉल किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, एक ऐप क्रिएट करने जा रहे हैं, और वो ऐप क्या होगा, वो होगा हमारा टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। तो हमारे ऐप में क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी, हमारे ऐप में ये फंक्शनैलिटीज़ होंगी कि आप न्यू फाइल्स क्रिएट कर पाएंगे, आप न्यू फाइल्स को लिख पाएंगे, लिखने के बाद उनमें आप कट कॉपी पेस्ट कर पाएंगे, कट कॉपी पेस्ट के साथ साथ आप उस फाइल को अपनी लोकल मशीन में सेव कर पाएंगे, और जब आप चाहें उसको हमारी ऐप से ओपन भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम एक टेक्स्ट एडिटर जैसा ऐप बनाएंगे, है ना। तो मैं आपको डेमो दिखा दूँ कि वो ऐप होगा कैसा हमारा। तो हम यहाँ चलते हैं और मैं यहाँ पर आपको वो रन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो ऐप है वो होगा कैसा। इसमें पूरा का पूरा गोलैंग और फाइन यूज हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। मैं ये आ जाता हूँ स्क्रीन पे, ये आ गया मैं स्क्रीन पे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा एक नोटपैड का विंडो यहाँ पे खुला हुआ है, पिप टेक्स्ट एडिटर लिखा है, ठीक है। यहाँ हम हमारी फाइल को लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो कट कॉपी पेस्ट सिलेक्ट ऑल इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। देन व्हाट यू हैव इज ऐड मोर फाइल, ऐड मोर फाइल करने से न्यू फाइल ऐड हो जाएगी, दूसरी करेंगे दूसरी फाइल ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास फाइलें ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे उनमें भी आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इनको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद देखिए आपकी जो न्यू फाइल थी उसी नाम से आपका नेम भी बनेगा, और यहाँ पे आप जा करके इसको चेंज भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट एडिटर टेस्ट नाम रख देता हूँ मैं इसका, एडिटर टेस्ट डॉट txt, ऑब्वियसली टेक्स्ट फाइल है तो txt एक्सटेंशन आपको देना होगा। और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट फोल्डर पे यहाँ पे जा करके एडिटर टेस्ट डॉट txt से सेव कर देते हैं, तो ये हो गया सेव। अब इसको ये देखिए, ये कॉन्टेंट था हमारा, अब इसको हम ओपन भी कर पाएंगे। ओपन करेंगे तो देखेंगे कि कहाँ गया हमारा डॉक्यूमेंट्स हमने सेव किया था, तो ये हम जाके डॉक्यूमेंट्स में ढूंढ सकते हैं। ये एडिटर टेक्स्ट डॉट txt फाइल थी हमारी, इसको हमने ओपन किया, तो एक नई विंडो में ओपन हो जाएगी विथ योर कंटेंट जो आपने उस फाइल में लिखा था, ठीक है। इसको आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो अगर इसको मैं कॉपी करूं और कॉपी करके जाऊं और मैं यहाँ पेस्ट करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पेस्ट भी हो गया, ठीक है। उसी को आप क्या कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर मैं कट करूं, कट भी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी पेस्ट करूं, पेस्ट भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कट कॉपी पेस्ट वाली फंक्शनैलिटीज, नई फाइल क्रिएट करना, सेव करना, ओपन करना, इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारी इस पूरी की पूरी ऐप को बिल्ड करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको इस पूरे ऐप को बिल्ड करने के बाद एक छोटा सा होमवर्क भी दिया जाएगा जो आपको करना होगा, ठीक है, ताकि आपकी फाइन और गोलाइन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो चलते हैं, तो ये मैं आ चुका हूँ बेसिकली पेप एडिटर नाम से, मैंने एक फोल्डर बना लिया है, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमारा ऐप हमें इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इनिशियलाइज, और ये हम गए, सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है, मेन डॉट गो, ठीक है। तो हमारा ये मेन डॉट गो हो गया, मेन डॉट गो नाम से हम एक फाइल बना चुके हैं, पैकेज मेन फंक मेन, और ये एक नॉर्मल सा मेरा मेन फंक्शन होगा जो मैं इंपोर्ट करना होगा हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और फाइन आपको इनिशियलाइज करना है हमें, तो सबसे पहले हम जाएंगे, हम सबसे पहले कहेंगे गो मॉड इनिट, जो भी आप नाम देना चाहें इसके साथ अपने ऐप का, ये चीज़ आप पहले देख ही चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक गो मॉड गो सम दो फाइलें हमारे पास बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, फाइन को इंस्टॉल करना है, बेसिकली फाइन की डिपेंडेंसी मुझे चाहिए होगी, तो मैं यहाँ फाइन पे जाऊँगा। फाइन पे जाने के बाद आएंगे यहाँ फाइन डेवलप, और उसके बाद ये कमांड हमारी, ठीक है, ये जो हमारी कमांड है गो गेट फाइन वर्जन 2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लेके आ जाते हैं, उप्स, तो ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ चलते हैं और ये हम यहाँ पे रन कर देते हैं इस कमांड को। तो यहाँ पे देखिए एडिट फाइन, ठीक है, फाइन हमारा ऐड हो चुका है। गो मोड पे एरर क्यों आ रहा है पता नहीं, ठीक है, खैर देखते हैं। तो ये हम वापस आ चुके हैं और मैंने फिर से रीइनिशियलाइज कर दिया है इन दोनों फाइल्स को, क्योंकि कुछ एरर आ रहा था, ठीक है, तो मैंने इनको रीइनिशियलाइज कर दिया है। तो आपको वही कमांड फिर से रन करने है, गो मॉड इनिट माय ऐप, जिससे आपकी मॉड फाइल बन जाएगी, एंड देन गो गेट फाइन आयो स्लैश फाइन वर्जन 2, इससे आपका फाइन इम्पोर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर जाके मेन डॉट गो हमारी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें हम हमारा पूरा का पूरा कोड लिखने जाएंगे। तो वही चीज़ें हैं, पैकेज मेन, और फिर यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ मेन, इसके अंदर हम हमारा काम कर रहे होंगे,
और कुछ इस तरीके से हमने हमारी जो फाइल थी उसको इनिशियलाइज कर लिया। तो अब हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी और किस किस तरीके से हमें टेक्स्ट एडिटर को बिल्ड करना है, ये मैं आपके सामने लेके आता हूँ और ये देखते हैं कि हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फाइन ऐप बना लेते हैं ताकि हमारी एक विंडो खुल जाए और वहाँ पे हमें ऐप हमारा दिखने लगे, ठीक है। एक बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है वो दिखने लगे ऐप का, ठीक है। तो लेट्स जस्ट गेट ऑन एंड एक वेरिएबल हम बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऐप यूज़ करेंगे, ऐप हम ले आते हैं फाइन से, ठीक है। ये इम्पोर्ट हो गया ऐप आपका, एरर दिखा रहा है, इसको क्विक फिक्स कर देते हैं ताकि हमारा ये पैकेज इम्पोर्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐप डॉट क्या करना है हमें, न्यू ऐप, ठीक है। तो ये हमें यूज़ करना है ऐप डॉट न्यू, न्यू ऐप नहीं, न्यू सॉरी, न्यू ऐप न्यू, ठीक है। तो ये हमारा ऐप डॉट न्यू है, ऐप डॉट न्यू, फिर ए को यूज़ करके हम एक विंडो क्रिएट कर लेते हैं। तो विंडो के लिए एक एलिमेंट हम बना लेते हैं कि ए यूज़ करके न्यू विंडो, न्यू विंडो के अंदर हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे पेप एडिटर दे देता हूँ उसको मैं, ठीक है, पेप एडिटर, एडिटर ऐसा कुछ नाम इसको दे देते हैं और बस ए डॉट न्यू विंडो। और अब हम क्या कर देते हैं कि इसको शो एंड रन कर देते हैं, डॉट शो एंड रन, ठीक है। इसको थोड़ा साइज भी दे देते हैं ताकि थोड़ा बड़ा होके खुले, है ना, थोड़ा हमें दिखे ताकि। तो विंडो डॉट रीसाइज हमारे पास फंक्शन होता है, उसके अंदर हम जाते हैं फाइन डॉट न्यू साइज पे और न्यू साइज करके हम इसको कितना 600 बाय 600 का विंडो दे देते हैं हाइट विड्थ। तो इस तरीके से हमारा एक फाइन ऐप क्रिएट हो जाएगा, आई होप ये चल जाए। तो गो रन मेन डॉट गो, ओके। तो ये आपको दिखने लगेगा, एक विंडो हमारे पास में खुल चुका है। अब यहाँ पे इस पूरी की पूरी विंडो में हम हमारा ऐप लिखने वाले हैं, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। चलिए हम अपना ऐप लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ हमें ये चाहिए कि एक फंक्शनलिटी हम ऐसी डालते हैं कि बटन के क्लिक होने पे न्यू फाइल जनरेट होना शुरू हो जाए, ठीक है, न्यू फाइल जनरेट होना शुरू हो जाए बटन के क्लिक होने पे। तो वो काम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमें काम करते हैं हेडिंग दे देते हैं इसकी। तो मैं लिखता हूँ कॉन्टेंट, कॉन्टेंट लिख दें, यहाँ पे कॉन्टेंट ही यूज़ करते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गो की मतलब फाइन की डॉक पे भी अगर आप जाके देखें तो कंटेंट का ही यूज़ किया गया है ना। तो जनरल टर्म है कंटेंट यूज़ करने के लिए, जो भी आपके ऐप के अंदर हो उसके लिए। तो कंटेंट, और कंटेंट के अंदर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सबसे पहले एक हमारा लेआउट क्रिएट कर लेते हैं हम उसके लिए। तो कंटेंट के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटेनर यूज़ करना पड़ेगा जो कि हमारी ऐप को कंटेन करेगा। तो कंटेनर, यहाँ से इसको इंपोर्ट कर देते हैं ताकि ऊपर भी इंपोर्ट हो चुका हो, हाँ ये इंपोर्ट हो चुका है, और हाँ ये इंपोर्ट हो चुका है। तो कंटेनर डॉट, अच्छा अब हमारे पास में ना कंटेनर डॉट, कंटेनर के साथ साथ हमारे पास में होता है न्यू वर्चुअल बॉक्स, ठीक है, न्यू वर्चुअल बॉक्स। तो हम सबसे पहले न्यू वर्चुअल बॉक्स को यूज़ करने जा रहे हैं। अब वर्चुअल बॉक्स से आपको बताइए क्या होगा कि हमारा कॉन्टेंट जो है वो वर्चुअली अलाइन होगा। तो हम यहाँ पर न्यू वर्चुअल बॉक्स यूज़ करने वाले हैं जिससे कि हमारा कॉन्टेंट वर्चुअली क्या हो जाए, अलाइन हो जाए। और उसके बाद हम क्या करने जाएंगे, उसके बाद हम कंटेनर को ही यूज़ करेंगे। कंटेनर यूज़ करके वर्चुअल बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल बॉक्स भी लेंगे, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल बॉक्स ये हमारा हो गया न्यू हॉरिजॉन्टल बॉक्स और वर्चुअल बॉक्स, फिर कंटेनर डॉट न्यू हॉरिजॉन्टल बॉक्स। और इस हॉरिजॉन्टल बॉक्स के अंदर अब हम हमारे कॉन्टेंट को शो करने की कोशिश करेंगे। तो हमें शो क्या करना है, सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ हमारे विजिट का, ठीक है। तो विजिट होता है हमारे पास फाइन में। तो एक काम करते हैं, चलिए मैं आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन दिखा दूं कि कहाँ से मैं सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे जाएं तो फाइन की डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास खुली ही है, ठीक है। तो फाइन टूल किट और ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको किसके बारे में बता रहा था, कंटेनर, कंटेनर के बारे में ना। तो हम ट्यूटोरियल्स में जाएंगे या टूर पे चलते हैं, टूर पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कंटेनर, ठीक है। ये रहा आपका कंटेनर, है ना, ये आपका कंटेनर हो गया। और कंटेनर के साथ आपके पास ऐप टैब्स हैं, ऐप टैब्स के बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं टू हमारा लेआउट बनाने के लिए, है ना। वो क्या क्या बॉक्स हैं, हॉरिजॉन्टल बॉक्स हैं और कंटेनर बॉक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉक्स विजेट इज अ सिंपल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंटेनर दैट यूजेस बॉक्स लेआउट टू लेआउट द चाइल्ड कंपोनेंट्स। जो भी कंपोनेंट आप उसके अंदर देना चाहें वो आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यू कैन पास द ऑब्जेक्ट्स टू इंक्लूड इन द कंटेनर डॉट न्यू हॉरिजॉन्टल बॉक्स जो कि आपकी कॉन्टेंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन करेगा। एंड देन देर इज अ वर्चुअल बॉक्स जो आपके कंटेनर्स को, आपके कॉम्पोनेंट्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन करेगा, सॉरी वर्टिकली अलाइन करेगा।
ठीक है, और इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एड आइटम टू अ बॉक्स विजेट आफ्टर क्रिएटेड यूजिंग एड फंक्शन। तो इस एड फंक्शन का भी यूज हम करेंगे। कैसे ऐड फंक्शन का यूज करेंगे कि जब आपका बटन क्लिक हो जाए तो एक नई फाइल ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम इस ऐड फंक्शन का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये इस सारी चीज़ों का कुछ यूज करके हम हमारा सिंपल लेआउट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि देखिए कॉन्टेंट वेरिएबल का यूज किया हुआ है इन्होंने, है ना, और कंटेंट ऑडियो वैसे कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसे डॉक्स में जो यूज़ किया है मैं भी वही यूज़ कर लेता हूँ, है ना। और वर्चुअल बॉक्स और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बॉक्स लिया है, ठीक है, अलाइनमेंट की हुई है, तो यही काम हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको अपने आप पे लिखेंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंटेनर से मैं क्या लेके आ रहा हूँ, न्यू वर्चुअल बॉक्स, डॉक्यूमेंटेशन से ही है सब कुछ। और कंटेनर से मैं एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स लेके आ रहा हूँ, और विजेट डॉट में क्या करता हूँ कि विजेट यूज़ कर लेते हैं, तो विजेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ गया हमारा विजेट, इंपोर्टेड है क्या ऑलरेडी? हाँ, विजेट तो ऑलरेडी इंपोर्टेड है। तो विजेट डॉट बेसिकली मुझे चाहिए क्या, विजेट डॉट अब मुझे नया लेबल चाहिए। ठीक है, तो मैं एक न्यू लेबल कर देता हूँ यहाँ पे, और न्यू लेबल के अंदर मैं पास कर देता हूँ पेप टेक्स्ट एडिटर कुछ ऐसा। ठीक है, हमारा पेप टेक्स्ट एडिटर है ये, तो इस न्यू लेबल के अंदर मैं पास कर देता हूँ। और बेसिकली हॉरिजॉन्टल बॉक्स के अंदर मैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट डाला, तो मुझे यहाँ पे कॉमा करना पड़ेगा। ओके, तो ये एरर क्यों दे रहा है, अभी भी कुछ गलत किया क्या हमने? यहाँ पे भी कॉमा आएगा, सॉरी ये भी कॉमा होगा एक। ठीक है, तो अब कंटेंट कंटेनर डॉट न्यू बॉक्स अभी भी एरर दे रहा है। क्या एरर है बेसिकली देखा जाए, मिसिंग कॉमा बिफोर न्यू लाइन इन आर्ग्यूमेंट लिस्ट। कौन सा वाला कॉमा मिस कर गए हम? ओके सॉरी, ये कॉमा मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये कॉमा यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और इसके बाद तो सारी चीज़ यूज़ हो ही रही है। अच्छा, कंटेंट हमने यूज़ नहीं किया है, तो बेसिकली मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि सेट कंटेंट कर लेते हैं अभी से ही, है ना। तो जैसे जैसे हम कंपोनेंट्स बनाते जाएंगे वैसे वैसे कंटेंट हम अपना ऐड करते जाएंगे। तो विंडो डॉट सेट कंटेंट एक फंक्शन होता है, जो हमारी जो विंडो हमने ओपन की है उस पर हम हमारे कंटेंट को सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए वेरिएबल कौन सा है हमारा, कंटेंट वेरिएबल है ना। तो सेट कंटेंट के अंदर मैं जाता हूँ और एक कंटेनर डॉट कंटेनर तो मुझे चाहिए, कंटेनर डॉट न्यू वर्चुअल बॉक्स लेते हैं हम एक न्यू वी बॉक्स, राइट। तो ये न्यू वर्चुअल बॉक्स हमारे पास में आ जाएगा, और इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरे कंटेंट को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और कॉमा, और यहाँ पे भी कॉमा। ठीक है, ओके, कोई एरर नहीं। ठीक है, तो कंटेंट हमारा ऐड हो चुका है, और ये कंटेंट जा करके इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर ऐड हो चुका होगा। तो अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्या हमारा कंटेंट आ रहा है। ठीक है, तो गो रन मेन डॉट गो, तो ये पेप टेक्स्ट एडिटर जो हमने लिखा है वो यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है। ठीक है, हेडिंग हमारी पेप एडिटर, और अंदर हमारा जो कंटेंट था वो पेप टेक्स्ट एडिटर था, हमने कंटेंट भी यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बेसिकली क्रिएट करने हैं हमारे बटन। वो बटन को हम क्लिक करें तो हमारी नई फाइल ऐड हो जाए, इस तरीके की चीज़ हमें बनानी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस कंटेनर डॉट न्यू एच बॉक्स के नीचे, यहाँ तक हमने काम तो कर दिया है, उसके बाद हम चलते हैं और कहते हैं कि भाई जो हमारा कंटेंट है उसमें हम किस फंक्शन को यूज़ करेंगे, ऐड फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐड फंक्शन को यूज़ करते हैं, और इस कंटेंट में हम क्या ऐड कर देते हैं, एक बटन ऐड कर देते हैं। तो विजेट जो है हमारा विजेट, ठीक है, फिर से डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और मैं आपको विजेट भी दिखा देता हूँ। ये हमारा विजेट है ना। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक विजेट नाम का कंपोनेंट भी हमको देता है, फाइन। और वहाँ पे जब आप जाएंगे तो विजेट में आप लेबल ऐड कर सकते हैं जिसे हमने ऐड किया, विजेट पे आप बटन ऐड कर सकते हैं जैसे हम ऐड करने वाले हैं। अब बटन क्या करता है, बटन ऐड करने के बाद बटन एक फंक्शन लेता है एज अ कॉल बैक। ठीक है, और उसको जैसे ही वो बटन क्लिक होगा, जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट से अगर आ रहे हो तो आपने इवेंट लिसनर देखे होंगे कि जैसे ही बटन क्लिक होता है इवेंट लिसनर उस बटन के क्लिक को लिसन करता है ना, और फंक्शन आईडी जो भी हम उसको देते हैं परफॉर्म करता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि एक बटन के साथ साथ हम एक फंक्शन पास कर सकते हैं, और उस फंक्शन के अंदर हम जो चीज़ करेंगे वो बटन वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। यहाँ पे आप कोड पढ़ सकते हैं, जैसे कंटेंट विजिट डॉट न्यू बटन क्लिक मी, और जैसे ही क्लिक होगा फंक्शन जो है वो ये कुछ ऐसा कुछ प्रिंट कर देगा, है ना, हमारे टर्मिनल पे। सिंपल बटन का जो यूज़ होता है वही यूज़ यहाँ पे भी है। तो चलते हैं और इस बटन को कोड करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कंटेंट डॉट ऐड विजिट यूज़ करना है हमें, और न्यू बटन। ठीक है, तो ये न्यू बटन यहाँ पे हम एंटर करेंगे, और यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू
फाइल, इस नाम से मैं इस बटन को दे देता हूँ। अब देखिए ये पूरा का पूरा एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि जब भी आप बटन यूज करेंगे तो इट इज कंपलसरी कि आप उसके साथ में उसके लिए एक कॉल बैक फंक्शन को भी यूज करें, है ना। जब भी आप बटन यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आपको उसका कॉल बैक भी यूज करना पड़ेगा उसके साथ साथ। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर एड न्यू फाइल वाला बटन क्लिक हो तो ये एक फंक्शन ले ले, ठीक है, ये क्या ले ले, एक फंक्शन ले ले, और उस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक नई फाइल मुझे ऐड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्टेंट डॉट बेसिकली ऐड, फिर से ऐड फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे न्यू फाइल ऐड करनी है यहाँ पे, और विजेट डॉट न्यू लेबल ऐड कर देते हैं यहाँ पे, विजेट डॉट एक न्यू लेबल ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और वो न्यू लेबल क्या करेगा, विजेट डॉट न्यू लेबल वो हमारी फाइल कंटेन करेगा कि एक न्यू फाइल भी आपकी क्रिएट हो गई है ना। तो विजेट डॉट न्यू लेबल के अंदर मैं पास कर देता हूँ न्यू फाइल। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मेरी फाइल क्रिएट हो वैसे वैसे उसकी नंबरिंग चेंज होती रहे, है ना। तो न्यू फाइल क्रिएट किया तो जैसे ही ऐड किया तो न्यू फाइल 1 आ जाए, फिर ऐड बटन पे जाए न्यू फाइल 2 आ जाए। इस तरीके से हम अलग अलग फाइल्स क्रिएट कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें काम करते हैं कि मैं ग्लोबली एक काउंट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। क्या डिक्लेयर कर लेता हूँ, एक काउंट डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ वेर काउंट, और इस काउंट को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ विथ 0, ठीक है। तो जैसे एक नई फाइल ऐड की, अगर मैं काउंट प्लस प्लस करूँगा तो बाद में ऐड होगा ना, तो इसको पहले क्या मैं 1 इनिशियलाइज करता हूँ, 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, है ना, 1 से इनिशियलाइज करते हैं तो ये आ जाना चाहिए। उसके बाद चले देखते हैं, तो वेर काउंट इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे तो ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, वेर काउंट इक्वल टू 1, इसका टाइप दे देता हूँ इंट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट करते रहेंगे तो नई नई फाइल हमारी ऐड होती रहेगी, है ना। तो इस तरीके से हमारा काम होता रहेगा, वेयर काउंट इंट इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस काउंट को हम अब यूज़ कर लेते हैं टू कीप अ काउंट ऑफ आर फाइल, कि कौन सी फाइल हम बना रहे हैं, कितने नंबर वाली फाइल होने वाली है। तो कॉन्टेंट डॉट ऐड विजिट डॉट न्यू लेबल न्यू फाइल, और न्यू फाइल के साथ साथ क्या करूँगा मैं, कंकैट कर देता हूँ इस काउंट को। लेकिन ऐसे ये काउंट कनकैट होगी नहीं। क्यों नहीं कनकैट होगी, क्योंकि काउंट जो है वो क्या है, इंट टाइप का है, और न्यू फाइल जो है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है टाइप कन्वर्जन थोड़ी स्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करेगा। ये आपको एरर दे देगा कि भाई देखिए मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि एक स्ट्रिंग है एक आपका इंट है, तो ये दोनों को मैं कंबाइन नहीं कर पाऊंगा, कनकैट नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस काउंट को किसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा, किस पे, स्ट्रिंग पे। तो यहाँ पे हमारे पास में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है गोलैंग के अंदर, जो कि होता है स्ट्रिंग कन्वर्ट, है ना, स्ट्रिंग कन्वर्ट, जिसको हम लिखते हैं स्ट्रिंग, अच्छा इसको मैं पूरा हटाता हूँ, आपको फंक्शन ही लिख के दिखाता हूँ पहले, तो strcunv, ठीक है, स्ट्रिंग कन्वर्ट itoa, ठीक है, डॉट itoa, इस तरीके से i2a, ठीक है, आई टू ए बेसिकली इंटीजर टू कैरेक्टर या इंटीजर टू स्ट्रिंग, इस तरीके से कुछ इनका होगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे पास कर सकते हैं हमारा काउंट वेरिएबल। तो ये हमने काउंट पास कर दिया। अच्छा, अब ये फट रहा है क्यों, क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। इसको हम कर लेते हैं इंपोर्ट, और ये पूरा का पूरा हो गया, अब कोई एरर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे विजिट आएगा, विजिट से नई फाइल ऐड होगी, जो भी काउंट की वैल्यू होगी उस काउंट की वैल्यू से हमारा फाइल का नेम अपडेट होता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही ये नेम अपडेट हो जाएगा, है ना, जैसे ही ये नेम अपडेट हो जाएगा हम क्या करेंगे, हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। तो यहाँ मैं जाता हूँ काउंट प्लस प्लस, ताकि काउंट की वैल्यू एक बढ़ जाए, ठीक है। तो इस गो, अब इस कोड को हम रन करते हैं। अच्छा, हमने कंटेंट तो ऐड कर दिया, ठीक है, तो हमारा ये कोड काम करना चाहिए। गो रन ओके मेन डॉट को, चलिए। तो एक ऐड न्यू फाइल वाली बटन हमारे देंगे, इसको ऐड करें, ऐड किया न्यू फाइल 1 आ गई, ऐड किया न्यू फाइल 2 आ गई, ऐड किया न्यू फाइल 3 आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, हो रहा है ये काम तो हमारा हो रहा है ना, ऐड करने पे हम अलग अलग फाइल बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ये काम तो हो गया, और बेसिकली लेबल है वो अभी हम फाइल्स बनाएंगे, ठीक है। तो फाइल्स देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे, अब हमारा नेक्स्ट काम वही होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एंट्री, ठीक है, जहाँ पर हम एंट्री ले पाए, किसकी एंट्री करा पाए, हमारे टेक्स्ट की एंट्री करा पाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और देखते हैं एंट्री हम कैसे करा सकते हैं।
तो एंट्री होना कहाँ पे चाहिए? मेरे ख्याल से विजिट के अंदर ही होना चाहिए, है ना? तो देखते हैं कैसे एंट्री मिलेगी हमें। थर्ड चीज ही एंट्री है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि इनपुट नाम से उन्होंने एक वेरिएबल बनाया है, और फिर यहाँ पे कहते हैं कि विजिट डॉट न्यू एंट्री, ठीक है, विजिट डॉट न्यू एंट्री। तो ये एंट्री करा सकते हैं, उसके साथ साथ आप उसका प्लेस होल्डर भी सेट कर सकते हैं। चलिए ये कोड मैं करता हूँ कॉपी, है ना, और इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ कि कैसे यहाँ पे हम ये काम करेंगे। तो मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे जाके इसको कर देता हूँ पेस्ट इनपुट, ठीक है। इनपुट हमारा है विजिट डॉट न्यू एंट्री और इनपुट डॉट सेट प्लेस होल्डर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अब क्या करना होगा कि इस चीज़ को, है ना, इसको मुझे इंटीग्रेट करना होगा मेरे ऐप में। तो यहाँ जा कर के मुझे मेरे सेट कंटेंट पे, जहाँ पे भी मैंने सेट कंटेंट किया है वहाँ मुझे मेरा इनपुट भी पास करना होगा। तो यहाँ पे जा कर के मैं यहाँ इनपुट पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इनपुट पास कर दिया, अब इसको यूज़ करके देखते हैं कि क्या ये इनपुट आ रहा है हमारे ऐप में। ओके, तो ये एक एंटर टेक्स्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूँ और टाइप वाइप कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया, है ना, फाइल ऐड कर दी और यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये बढ़िया काम हो गया, लेकिन छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसको साइज़ करने का भी कोई ऑप्शन तो हमारे पास होगा, शायद रीसाइज फंक्शन होता है हमारे पास, जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना। तो मैं इसको रीसाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे एंट्री, सॉरी एंट्री तो नहीं, इनपुट लिया ना हमने, इनपुट डॉट रीसाइज फाइन डॉट न्यू साइज एंड जस्ट पास 400 पास कर दें इसके अंदर। तो होपफुली यहाँ पे हमें वो दिखना चाहिए, इसका साइज रीसाइज हो जाना चाहिए। तो मैं सारे टर्मिनल्स बंद करता हूँ, एक फ्रेश टर्मिनल ओपन करते हैं और वहाँ पे हमारा कोड रन करते हैं। गो रन मेन डॉट गो। बड़ा क्यों नहीं हुआ? ओके, मैं देखता हूँ ये बड़ा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। इसको फिगर आउट करके आते हैं कि कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। ओके, तो बेसिकली हमें यहाँ पे ना यूज़ कर दी है मल्टी लाइन एंट्री। कौन सी? मल्टी लाइन एंट्री। हम एक न्यू एंट्री कर रहे हैं ना, तो न्यू एंट्री सिर्फ जो होती है ना, ये एक ही लाइन पे एंट्री लेती है। तो जब हम मल्टी लाइन एंट्री यूज़ करेंगे तब हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा जो कि मल्टीपल लाइन्स को ले पाएगा। ये रहा हमारा मल्टी लाइन एंट्री, ठीक है। तो आई होप अब हमारा जो टेक्स्ट एडिटर है वो थोड़ा हमें बड़ा दिखे। इसको मैं 1200 किया, 400 ही रखते हैं। आई होप हमें वो दिखना चाहिए। तो लेट्स जस्ट गो रन मेन डॉट गो। ओके, तो अब हमारा टेक्स्ट एडिटर थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे हम अब टाइप कर सकते हैं और मल्टीपल लाइंस पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे जाएंगे और टाइप करिए, और नीचे और टाइप, ठीक है। तो ये तो हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, अब हमें देखना है कि किस तरीके से हम इस टेक्स्ट को लिखेंगे, ओपन सेव करेंगे, है ना, कट कॉपी पेस्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, इन ऐप्स को मैं बंद ही कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, इनपुट हमने देख लिया, इनपुट हमें किस तरीके से लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेव फाइल लिख लेते हैं, ठीक है, कि सेव किस तरीके से करेंगे अपने फाइल को। तो सेव फाइल के लिए मैं क्या करूँगा कि एक बटन हमें लगेगा, ठीक है। तो उसको हम सेव बटन लिख कर लेते हैं, सेव बटन, है ना, सेव बटन। और इसको हम दे लेते हैं कि विजिट डॉट न्यू बटन, न्यू बटन। इसका नाम हम कर देते हैं सेव टेक्स्ट फाइल, और साथ साथ बटन में आपको पता है ये क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे एक सेव बटन, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे हमारा फंक्शन जिससे हमारी फाइल क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो ये हमने यहाँ पे कंटेंट, इनपुट, ये सारी चीज़ें ली हुई थी। अब कंटेंट और इनपुट के साथ साथ हमें अब हमारे क्या ऐड करने होंगे, हमारा सेव बटन और बेसिकली ओपन बटन, ये हमको ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंटेनर वर्चुअल बॉक्स था, कंटेनर वर्चुअल बॉक्स में हमने ये ऐड किया, तो मैं काम करता हूँ कंटेनर हॉरिजॉन्टल बॉक्स यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। कंटेनर हॉरिजॉन्टल बॉक्स न्यू कंटेनर डॉट न्यू हॉरिजॉन्टल बॉक्स, ये रहा हमारा न्यू हॉरिजॉन्टल बॉक्स, ये यूज़ कर लेते हैं।
और इसके अंदर अब हमारे बटन चले जाएंगे। तो एक बटन मेरा हो गया कौन सा, सेव बटन है ना, सेव बटन, ये मेरा सेव बटन चला गया यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे भी कॉमा, ये भी कॉमा, नहीं क्या हो गया ये, क्यों क्यों एरर दे रहा है ये। अब तो सेव बटन डिफाइंड है, यूज़ भी कर लिया है, तो फिर कहीं कॉमा मिस हुआ है, कुछ ना कुछ तो कहीं पे मिस हुआ है। सेव बटन के बाद एक कॉमा आएगा, दैट्स फॉर श्योर। देन सेट कंटेंट के अंदर यहाँ पे कंटेनर के बाद एक कॉमा आएगा, उप्स, ये ठीक है। और हमें कहाँ कॉमा करना है, बाकी तो ठीक है चीज़ें। क्यों एरर हो रहा है ये, ओके मुझे ये जो कंटेनर एज बॉक्स है ना, ये मुझे बेसिकली यहाँ पे नहीं बनाना है, ठीक है, ये मुझे मेरे इसके ही अंदर बनाना था, कंटेनर न्यू वर्चुअल बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा अंडू करते हैं, और उसके बाद मैं इस वर्चुअल बॉक्स को, ताकि मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो वर्चुअल बॉक्स होना मेरा, उसके अंदर ही एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स हो जिसमें कि हम हमारे बटन को भी अलाइन करते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ चाह रहे हैं हम, तो हमें हमारा ये सेव बटन चाहिए, और यहाँ पर हमें हमारा बेसिकली इस इनपुट के बाद, ये जो हमने इनपुट लिया है ना, उसके बाद हम हमारा वो ऐड करना चाहते हैं, कंटेनर डॉट एच बॉक्स, है ना, कंटेनर डॉट न्यू हॉरिजॉन्टल बॉक्स, ये हो गया हमारा। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, इनसाइड जाकर कंटेंट इनपुट, और यहाँ पे हमें हमारे बटन्स ऐड करने, तो यहाँ पे अब कॉमा कर देते हैं एक, है ना, ताकि फिर कुछ होना। ओके, तो अब यहाँ पे मैं अपना सेव बटन ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारा हो गया सेव बटन, सेव बटन, तो यहाँ सेव बटन ऐड हो गया। चलिए कोड को रन करके देखते हैं, गो रन मेन डॉट गो, तो ये हमारा सेव टेक्स्ट फाइल का एक बटन आ गया है, टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हम क्या फंक्शन ऐड डालेंगे, जैसे ही हमारी ऐड फाइल करें तो ये न्यू फाइल वन बन जाए, इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स आ जाए, और क्या हो, जैसे ही हम सेव करें तो ये न्यू फाइल वन बन के ही क्या हो जाए, सेव हो जाए। फिर हम दूसरे फाइल ऐड करें तो हमारा न्यू एक नया फाइल खुले, इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स हो, यहाँ पे हम ऐड करें सेव टेक्स्ट करें तो ये न्यू फाइल टू बन के सेव हो जाए। कुछ ऐसी फंक्शनलिटी हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो चलिए देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कुछ भी, और इस सेव फाइल को टच करने से ये फाइल मैं अपनी लोकल मशीन में सेव कर पाऊँ, ऐसी फंक्शनैलिटी मुझे डालनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे इस सेव टेक्स्ट फाइल वाला जो बटन है ना हमारा, इस पर कुछ लॉजिक लिखना होगा, ताकि मैं जो एंटर्ड है ना, हमारी इनपुट पे जो एंटर हुआ है जो भी टेक्स्ट, उसको मैं सेव कर पाऊँ एज अ फाइल। तो ये जो है अब हमारा नेक्स्ट टास्क होगा कि किस तरीके से हम फाइल हैंडलिंग करेंगे यहाँ पे, और किस तरीके से हम फाइल को ओपन या सेव करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारा सेव फाइल करने का है ना। तो देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमने बटन बना लिया है यहाँ, और इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें बेसिकली एक डायलॉग बॉक्स चाहिए, और वो डायलॉग बॉक्स क्या कंटेन करना चाहिए, उस डायलॉग बॉक्स में हमारा जो बेसिकली लोकल सिस्टम है, लोकल फाइल्स है हमारी, लोकल फोल्डर्स हैं हमारे, वो हमें डिस्प्ले हो जाने चाहिए, और ताकि हम वहाँ पर जाकर क्या कर पाए, हमारा जो पूरा का पूरा फाइल है उसको सेव कर पाए। तो ये काम हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास फाइन में ना इनबिल्ट फंक्शंस है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे विंडोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं फाइन के डॉक्यूमेंटेशन में, और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में जाके मैं आपको दिखाता हूँ डायलॉग, ठीक है, डायलॉग से ये काम हम कर सकते हैं बहुत जल्दी। डायलॉग बॉक्सेस आपको पता ही होंगे, अगर आप डेवलपमेंट करते हैं डायलॉग बॉक्स क्या होता है ना। तो डायलॉग बॉक्स मैं आपको नहीं बताऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि एक डायलॉग बॉक्सेस से हम कैसे फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस आपको दिख रहे होंगे, कलर पिकर, कंफर्म और ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये देखिए, ये शो फाइल सेव, शो फोल्डर ओपन, फाइल ओपन, है ना, ऐसे करके हमको फंक्शन दिए हुए हैं फाइन ने ऑलरेडी। तो यहाँ पे जाके देखेंगे तो टाइप्स में आपको मिलेगा फाइल डायलॉग्स, ठीक है। फाइल डायलॉग्स में क्लिक करते हैं, देखते हैं इनके पास क्या क्या फंक्शन है। तो हमारे पास है न्यू फाइल ओपन, मतलब ये भी हमें लगेगा जब हम फाइल ओपन कर रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास न्यू फाइल सेव, ये एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। इस फंक्शन को रीड करते हैं कि ये फंक्शन करता गया है। सो फंक्शन इज अ न्यू फाइल सेव, कॉल बैक फंक्शन है, और राइट क्लोजर एरर ले देता है एक, पेरेंट फाइन विंडो, ठीक है, एक पॉइंटर, फाइल डायलॉग, अच्छा ठीक है, फाइल डायलॉग रिटर्न करेगा, ओके। एज अ कॉल बैक फंक्शन भी हमें यहाँ पे एक न्यू फाइल सेव के अंदर, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा, जिसमें हमें फाइंड डॉट यू आर आई राइट क्लोजर ये कुछ ऐसा पास करना पड़ेगा, और फिर
पेरेंट जो है वो पास करना पड़ेगा, जो भी हमारी पेरेंट विंडो है, तो उस पेरेंट विंडो के लिए वो उस फाइल को ओपन करके देगा, अच्छा सेव करके देगा बेसिकली। तो वो उसके बाद इसको रीड कर लेते हैं कि ये फाइल, ये करता क्या है। न्यू फाइल सेव क्रिएट्स अ फाइल डायलॉग अलाउिंग द यूज़र टू चूज़ अ फाइल टू सेव। ठीक है, यही काम हमें करना है। इफ़ द यूज़र चूजेज एन एग्जिस्टिंग फाइल दे विल बी आस्ड इफ दे आर श्योर। ठीक है, द कॉल बैक फंक्शन विल रन वेन द डायलॉग क्लोजेस। अच्छा, द यू आर आई विल बी निल वेन द यूज़र कैंसल्स और नथिंग इज सेलेक्टेड। द लाइव डायलॉग विल अपियर ओवर द विंडो। यही तो चाहिए हमें, ठीक है। तो बना बनाया फंक्शन है हमारे पास, तो हमें कोई मेहनत नहीं करनी, हमें कुछ लिखना भी नहीं है। ये फंक्शन अगर हम समझ गए तो इसी फंक्शन को यूज़ करके हम काम कर पाएंगे। तो इसको मैं ना कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं अपने दूसरे जो स्क्रीन है वहाँ पर रख लेता हूँ, और इसको रेफर करके हम हमारे वेरिएबल्स के हिसाब से इसको बना लेंगे। तो ये मैंने इसको किया कॉपी, क्यों नहीं हो रहा? ओके, तो ये मैंने इसको किया कॉपी, है ना, ये मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी, ये कर लिया इसको कॉपी, और इधर आके कर दिया मैंने इसको पेस्ट। ठीक है, तो ये हमने ये चीज़ मैं ले आया हूँ यहाँ पे, इसी को रेफर करके मैं यूज़ करूँगा, है ना। आप भी रेफर कर सकते हैं इसको डॉक्यूमेंटेशन में जाके, कुछ आसान सा ही फंक्शन लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कैसे यूज़ कर पाएंगे हम। तो सेव बटन के अंदर मुझे ये फंक्शन यूज़ करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक वेरिएबल पे हमारा हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। तो चलते हैं सेव फाइल डायलॉग, डायलॉग, आई होप मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, डायलॉग, डायलॉग चाहिए हमें, कहाँ से लेके आए हम? डॉक्यूमेंटेशन से हम डायलॉग लेके आ रहे हैं, और उस डायलॉग में हमारे पास फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है न्यू फाइल सेव। ठीक है, न्यू फाइल सेव, न्यू फाइल सेव नाम का हमारे पास में फंक्शन है, और दिस टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन, सही जा रहा हूँ ना मैं? हाँ, न्यू फाइल सेव, ओके, डायलॉग डॉट न्यू फाइल सेव, एंड इसके अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन है, यहाँ पे नहीं, यहाँ हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन है। तो इस कॉल बैक फंक्शन को मैं ले लेता हूँ, एक कॉल बैक होगा यहाँ पे, यूसी डॉट फाइंड डॉट यूर आई राइट क्लोजर। ठीक है, यही तो हमें चाहिए, है ना। बेसिकली इसको मैं सीधा सीधा लेके आ रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन से, ये सब आपको सीधा डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली कॉपी पेस्ट वाला मामला है ना, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो फंक्शन है उनके इनबिल्ट हैं, इन्हीं से होता है वो काम पूरा, और इनको इन डेप्थ भी समझने की हमको ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा काम चलाना है। तो ये एरर हो गया, और इस ई को तो कहीं यूज़ में करूँगा नहीं, एरर हैंडलिंग में इसमें कर नहीं रहा, तो लेट्स जस्ट से इसको मैंने अंडरस्कोर दे दिया ताकि ये बाद में फटे ना। ठीक है, क्योंकि बेसिकली पता ही आपको गो का बेसिक, कि जब हम उसको क्या करते हैं कि वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं, उसको यूज़ नहीं करते, तो गो रोने लग जाता है, तो इसलिए मैंने अंडरस्कोर दे दिया ताकि इसको यूज़ ना भी करे तो हमें कोई फ़र्क ना पड़े, है ना। टेक्स्ट ले लेता हूँ वो मैं, जो भी मेरा टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट डेटा, और इस टेक्स्ट डेटा को मैं सेट करा देता हूँ यहाँ पे जा करके मेरी एंट्री टेक्स्ट पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना होता है, मैं यहाँ पे देखते हैं एक बार, डॉक्यूमेंटेशन रीड करता हूँ। तो इसके अंदर मुझे पास करना होगा यूर आई राइट क्लोजर, और इस फंक्शन के अंदर ही मैं पास करूंगा इफ़ द यूजर चूज एग्जिस्टिंग फाइल विल बी आस्ड, अच्छा यूजर चूज अ फाइल टू सेव। ठीक है, फाइल डायलॉग न्यू फाइल, अच्छा हाँ ठीक है। तो इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, इस वेरिएबल के अंदर मैं जो मेरा डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, मैं जिसको स्टोर करना चाहता हूँ, मैं जिस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, जो कॉन्टेंट मैं सेव करना चाहता हूँ, तो उसको मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इंटर कराना होगा। तो वो मैं इंटर करा सकता हूँ मेरे टेक्स्ट डेटा के अंदर। कैसे एंटर कराऊंगा, तो बेसिकली मुझे एक बाइट एरे क्रिएट करना होगा, यहाँ पे बाइट के फॉर्म में स्टोर होगा ये। तो ये बाइट एरे हमने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो एंट्री है वो कैसे करानी है, हमें हमारी इनपुट की करानी है। तो इनपुट पे हमने जो भी टेक्स्ट क्या होगा लिखा हुआ होगा उसकी एंट्री हम करा देंगे। तो इनपुट डॉट टेक्स्ट, इनपुट क्या है हमारा, इनपुट ये है, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे आगे सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद हम इस टेक्स्ट फाइल को सेव कर पाएंगे विद दिस न्यू फाइल सेव फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो शायद हम सही आए हैं, और अब मैं जा कर के यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरा जो यू सी है ना, यू सी किसके लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, यू आर आई राइट क्लोज़र के लिए। ठीक है, तो यू आर आई राइट क्लोज़र क्या करेगा कि इस टेक्स्ट को वो राइट कर देगा, इस टेक्स्ट को वो बेसिकली सेव करने की कोशिश करेगा। तो यू सी डॉट क्लोज यू आर आई राइट, हमें राइट कराना है, तो यू सी डॉट राइट किसे राइट कराना है, जो भी हमारे टेक्स्ट डेटा में होगा। ठीक
ठीक है, यू सी डॉट राइट हमारा टेक्स्ट डेटा, और साथ साथ मुझे क्या पास करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मेरे पास है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मुझे यहाँ पे मेरा विंडो एलिमेंट भी पास करना है, पेरेंट फाइन डॉट विंडो, तो मुझे विंडो एलिमेंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स जस्ट से कि मैं यहाँ पे मेरा विंडो एलिमेंट दे देता हूँ। ठीक है, तो आई होप हम सही जा रहे हैं, विंडो एलिमेंट भी हमें पास कर दिया हमने, हमारा यू आर आई राइट क्लोजर कर दिया, एरर भी देख लिया, एंट्री टेक्स कर दी, यू सी डॉट राइट डेटा कर दिया, विंडो एलिमेंट पास कर दिया। ठीक है, तो अब ये काम तो गया, मतलब हमारा फाइल सेव होने के लायक हो चुका है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसका फाइल का नेम सेट करना है। तो लेट्स जस्ट सेट द नेम ऑफ आवर फाइल, जो भी हमारे फाइल की नेम होगी। ठीक है, तो फाइल डायलॉग बेसिकली हमने जो किया है, सेव फाइल डायलॉग, हमारा सेव फाइल डायलॉग, जो भी इसमें फाइल लाई होगी उसका हम क्या करना चाहते हैं, सेट फाइल नेम करना चाहते हैं। तो लेट्स जस्ट सेट फाइल नेम, और सेट फाइल नेम के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा न्यू फाइल का नेम क्रिएट हुआ होगा वो कहाँ से ला रहे थे, हम यहाँ से लेके आ रहे थे। तो न्यू फाइल आईटू अकाउंट, ये जो पूरा का पूरा हमारे पास था, विल यूज दिस ओनली। ठीक है, इसी नाम से तो हमें सेव भी करना होगा ना, तो लेट्स जस्ट पास दिस, अरे ये क्या हो गया, इनसाइड, लेट्स जस्ट पास दिस। ठीक है, तो सेव फाइल, सेट फाइल नेम, न्यू फाइल प्लस जो भी उसका अकाउंट नंबर होगा, और फिर आप इसको रीनेम भी कर पाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसमें आपके पास फंक्शन है कि आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, हमारा सेव फाइल डायलॉग डॉट शो, शो कैपिटल में होता है क्या, कैपिटल में शायद शो का फंक्शन, देख लेते हैं एक बार, ये रहा शो। ठीक है, द डायलॉग विल अपीयर ओवर द विंडो स्पेसिफाइड व्हेन शो इज कॉल्ड। ठीक है, तो शो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे शो कॉल कर दिया। तो आई होप आप हमें हमारा सेव फाइल डायलॉग अब दिखना चाहिए, तो इस बटन के क्लिक होने पे, सेव टेक्स्ट फाइल के क्लिक होने पे। चलिए देखते हैं, गो रन मेन डॉट गो। ठीक है, ये सेव टेक्स्ट फाइल को क्लिक किया, देखिए विंडो खुल गया, बहुत बढ़िया। ये हमारा लोकल फाइल का विंडो है, लोकल कंप्यूटर का विंडो है, जो भी आपकी होगी। ठीक है, तो आपके सारे के सारे फाइल यहाँ पे दिख पाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू फाइल वन। ठीक है, न्यू फाइल वन करके यहाँ पे हमको क्या मिल चुका है, हमारा बेसिकली फाइल का नंबर मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आपको न्यू फाइल वन मिल जाएगी। इसी तरीके से मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ डॉट टीएक्सटी करके, है ना। अच्छा, डॉट टीएक्सटी हमने नहीं लगाया, हम आपको वो भी लगा देंगे। डॉट टीएक्सटी करके अगर मैं इसको सेव करूँ, तो जो कुछ भी यहाँ पे मेरा लिखा होगा वो ऐसे सेव हो जाएगा। तो मैंने सेव कर दिया इसको। ठीक है, नई फाइल बनाई, न्यू फाइल वन, न्यू फाइल टू, सेव टेक्स्ट फाइल। अच्छा, न्यू फाइल थ्री क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, ओके 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 समझ गया। कैंसिल करते हैं सारी चीज़ें, और इसको काउंट को हम क्या कर देते हैं, माइनस वन कर देते हैं। ठीक है, काउंट माइनस वन क्यों किया हमने, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी ना काउंट को अपडेट कर चुके थे। जैसे ही हम अपडेट कर देते हैं ना, तो ये बाद में अपडेट हो रहा है, तो बाद में अपडेट होकर वो थ्री बन चुका होगा ऑलरेडी। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जब मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ, तो न्यू फाइल थ्री दिखा रहा है, तो ये ना हो इसलिए हमने इसकी वैल्यू एक से कम कर दी। तो अब जब हम जाएंगे गो रन मेन डॉट गो, और यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, लाइक पेप कोडिंग इज अमेजिंग। ठीक है, पेप कोडर्स आर अमेजिंग। चलिए, पेप कोडर्स, पेप कोडिंग तो है ही अमेजिंग, पेप कोडर्स आर अमेजिंग। ठीक है, पेप कोडिंग को पेप कोडर्स ही बनाते हैं, तो पेप कोडर्स आर अमेजिंग, ये लिख दिया हमने यहाँ पे, और सेव कर देते हैं इस टेक्स्ट फाइल को। सेव किया, न्यू फाइल जीरो, अच्छा मतलब हमारी फर्स्ट फाइल है ये। ठीक है, न्यू फाइल जीरो, और डॉट टेक्स्ट भी तो लगाना था, वो भी चलिए लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कनकैट कर देता हूँ विथ डॉट टेक्स्ट, ताकि हमें कोई हेडेक ना लेना पड़े, है ना। txt फाइल जैसा ही ये क्या हो जाए, सेव हो जाए डॉट txt, और ये कर देते हैं। अब इसको फिर से रन करते हैं, कुछ टाइप कर दिया वैसे ही, पेप कोडर्स आर अमेजिंग, और इसको कर दिया सेव। तो न्यू फाइल जीरो डॉट txt, सेव कर दिया इसको हमने। अब सेव हो गया होगा वो फाइल, जाके देखें क्या वो सेव हुआ है, कहाँ पे सेव किया था हमने, डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में ही सेव हुआ था शायद, या पिक्चर्स, कहाँ सेव हुआ था वो, डेस्कटॉप पे तो सेव नहीं हो गया, उप्स मैं उसकी लोकेशन ही भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से इसको सेव कर लेते हैं, गो रन मेन डॉट गो, ये था ना हमारा फाइल, ओके। तो इसको सेव कर देते हैं, जीरो डॉट टी एक्स टी, डॉक्यूमेंट्स पे जाके इसको मैं सेव कर देता हूँ, लेट्स जस्ट सेव दिस। चलिए डॉक्यूमेंट में देखते हैं कि क्या वो फाइल सेव हुई। तो हमारा डॉक्यूमेंट आया,
न्यू फाइल 0.txt ओपन करते हैं, पेपकोडर सर अमेजिंग, सेव हो गई वो फाइल, ठीक है। अब हमें क्या फंक्शनैलिटी बनानी है, अब हमें ये फंक्शनैलिटी बनानी है कि हम इस फाइल को क्या कर पाए, ओपन कर पाए, और ये जो कंटेंट है उसको हम फाइल में ही क्या कर पाए, कट कॉपी पेस्ट भी कर पाए। तो ये दोनों फंक्शनैलिटीज हमारी बची है, तो चलिए ये दोनों फंक्शनैलिटीज भी हम अब फटाफट इसी तरीके से लिख लेंगे। डॉक्यूमेंट डिलीट करेंगे, फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस को कैसे यूज़ करना है वो देखेंगे, और हमारा प्रोजेक्ट हम खत्म करेंगे। तो इसके लिए अब हम चलते हैं आगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम समझने की अब कोशिश करेंगे कि हमारा जो हमने क्या किया, फाइल को सेव कर लिया था, फाइल को सेव करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फंक्शन लिखना है जिससे कि हम फाइल ओपन कर पाए, है ना। अभी जैसे हमने देखा कि फाइल हमने बेसिकली हमें हमारे डेस्कटॉप पे जाके हमारे फोल्डर्स पे जाके फाइल ओपन करके हमने देखी, लेकिन हम उसको फाइल से ही कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो एक सेव फाइल डायलॉग हमने लिख लिया यहाँ पे, कहाँ गया वो, हाँ जी इसको मैं अभी हटा देता हूँ ऐसे तक आपको कोड दिखे। सेव बटन लिख ली और सेव फाइल डायलॉग जो था हमारा वो कहाँ गया, ये रहा सेव फाइल डायलॉग लिख लिया, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, हम ओपन फाइल करने की कोशिश करेंगे कि हम हमारी ऐप से फाइल को ओपन भी कर पाएँ, ठीक है। तो वो काम में करना है, तो मैं काम करता हूँ ओपन बटन, ये एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। एंड सिमिलरली चलेगा विजिट डॉट न्यू बटन, न्यू बटन ले लेते हैं एक न्यू बटन, और न्यू बटन के साथ साथ हम क्या करते हैं कि इस बटन का कोई नाम दे देते हैं, ओपन टेक्स्ट फाइल, ठीक है, ओपन टेक्स्ट, क्या हो रहा है ये, ओपन टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो ये ओपन टेक्स्ट फाइल करी हमने, और उसके बाद हमने फंक्शन दे दिया, फंक्शन के अंदर अब हम जाते हैं और क्या करते हैं, सेव फाइल डायलॉग, तो सेव फाइल डायलॉग नहीं, सेव फाइल डायलॉग तो ओपन था, ओपन फाइल डायलॉग, ठीक है। तो ये हमको करना पड़ेगा, तो देखते हैं ये काम हम कैसे करने वाले, ठीक है। ओपन फाइल डायलॉग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओपन फाइल डायलॉग, सेव फाइल डायलॉग था है ना, ऐसे ही ओपन फाइल डायलॉग। तो ओपन फाइल डायलॉग के अंदर अब यहाँ जिस तरीके से हमारे पास न्यू फाइल सेव था ना, वैसे ही हम चलते हैं डॉक में और देखते हैं कि ओपन फाइल के लिए कौन सा फंक्शन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फाइल ओपन, ओके ये आपको दिख रहा है ओपन फाइल है ना, तो कुछ सिमिलर सा स्ट्रक्चर है इसका भी, और ये एक रीड क्लोजर ये भी ले रहा है, और पेरेंट इस पे भी देना है हमको, और ये न्यू फाइल ओपन है बेसिकली, ठीक है। तो फाइल को ओपन करने के लिए ये फंक्शन है हमारे पास, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, और इसका जो पूरा सिंटैक्स है उसको मैं अपने दूसरी स्क्रीन पे जो है जा करके पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं क्या कर पाऊँ, मैं इसको रेफर कर पाऊँ, ठीक है। इसी तरीके से मुझे फंक्शन लिखना है, इसको मैं रेफर करके ही लिखना चाहूँगा। तो ये हमने मैंने कर दिया इसको पेस्ट, ठीक है। तो ये पेस्ट होने के बाद अब क्या चलते हैं हमारे कोर एडिटर पे, और अब ओपन फाइल के लिए हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम ओपन फाइल डायलॉग, और यहाँ पे मुझे ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, अच्छा ठीक है फाइल डायलॉग है, अच्छा तो मुझे बस बेसिकली क्या करना है, डायलॉग डॉट मेरा जो न्यू फाइल ओपन फंक्शन ना, न्यू फाइल ओपन ओपन राइट, तो न्यू फाइल ओपन फंक्शन मेरे पास आ गया, और इस न्यू फाइल ओपन में मुझे क्या पास करना था, सिमिलरली एक कॉल बैक लेता है ये, ठीक है। तो ये एक कॉल बैक लेता है, तो मुझे उस कॉल बैक को यहाँ पे पास करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे फंक्शन उसका कॉल बैक पास कर देता हूँ। एरर मुझे यहाँ भी हैंडल नहीं करना है ना, तो एरर के लिए हम यहाँ क्या करते हैं कि इसको अंडरस्कोर कर देते हैं, ताकि बाद में एरर मत आए इस पर। तो अब देखते हैं सिमिलरली, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम डेटा सेव कर रहे थे, ठीक है, छोटा सा काम था, लेकिन यहाँ हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने डेटा को व्यू करना चाहते हैं, हम अपने फाइल को ओपन करके उसका डेटा देखना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें हमारा फाइल रीड कराना पड़ेगा, तो रीड डेटा, ठीक है। रीड डेटा नाम से मैं एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। इस रीड डेटा में मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली जो भी फाइल हम ओपन करना चाहेंगे उसको मैं क्या करूँगा, रीड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पे राइट कर रहे थे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, इसलिए यहाँ पे URI राइट क्लोजर था, यहाँ पर URI रीड क्लोजर है, ये फाइल ने अपना फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं इसको अब कैसे करेंगे, रीड डेटा, तो रीड डेटा के साथ साथ मुझे यहाँ पे डालना होगा क्या चीज़ कि मैं इसको रीड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हम देखते हैं, ओके तो हमको ना यहाँ पे एक पैकेज यूज़ करना पड़ेगा, उस पैकेज का नाम होता है IOUtil, ठीक है, उस पैकेज का नाम होता है IOUtil, यहाँ लिखने से ही आ जाएगा वो। तो यहाँ पे जाकर के मैं IOUtil लिख देता हूँ, और उसको कर देते हैं इम्पोर्ट, और IOUtil का एक फंक्शन होता है रीड ऑल।
जिससे कि हम सारा डेटा यहाँ का जो है वो रीड करेंगे। ठीक है, आई हैव यूटिल डॉट रीड ऑल, और रीड ऑल पे मुझे क्या पास करना है, ये बेसिकली यू सी कर रहा था ना, तो यू सी को हम यहाँ पे भी यू सी यूज़ कर रहे हैं, तो मे बी यहाँ पे अगर कोई दूसरा नाम इसका यूज़ कर ले। ठीक है, फिर मैं इसको आर दे देता हूँ सपोज। ठीक है, आर यूज़ कर लेते हैं रीड के लिए। ठीक है, और इसी फाइल को जो भी यहाँ पे आया होगा, जिसको भी रीड करने के लिए हमने भेजा होगा, उसको वो रीड कर ले। चलिए, इस तरीके से मैंने ग्रीड डेटा बना दिया, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ क्या है, रीड डेटा एंड रीड फाइल एंड स्टोर डेटा। ठीक है, तो रीड तो कर लिया हमने फाइल, और इस पर हम डेटा को हमारा स्टोर करने जा रहे हैं, और इसके बाद मैं एक रिज़ल्ट वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रिज़ल्ट या फिर रीड रीडेड डेटा जो भी है मेरे पास, आउटपुट ले लेते हैं। चलो, आउटपुट कर लिया है ना, जो भी मेरे पास रिजल्ट आया हो, जो भी मेरे पास आउटपुट आया हो वो हम ले लेते हैं। एंड देन विल असाइन अ न्यू स्टैटिक रिसोर्स, तो फाइन डॉट स्टैटिक रिसोर्स। स्टैटिक रिसोर्स ये हमारा स्टैटिक रिसोर्स होता है। ठीक है, फाइन एक हमको स्टैटिक रिसोर्स नाम का फंक्शन देता है, जिस रिसोर्स के तहत हम क्या कर सकते हैं, एक स्टैटिक रिसोर्स हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको दे देता हूँ न्यू फाइल, क्योंकि फाइल का नेम न्यू फाइल ही रहेगा, न्यू फाइल रखेंगे, और डेटा क्या कर देंगे, डेटा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना डेटा पास कर दूंगा, लेकिन ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा क्या चीज़ है। ठीक है, ये डेटा वो चीज़ है जो डेटा हम क्या कराएंगे, इस रीड डेटा से रीड कर रहे होंगे, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, रीड डेटा, जो हमारा रीड डेटा है उसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ये पास कर दे रीड डेटा। तो ये रीड डेटा यहाँ पे पास हो गया, और ये यहाँ यूज़ हो गया। ठीक है, तो आउटपुट पे फाइंड डॉट स्टैटिक रिसोर्स न्यू फाइल रीड डेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, उसको हम व्यू करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर व्यू करेंगे, तो व्यू टेक्स्ट नाम से बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे हमें टेक्स्ट दिखता रहेगा, जो भी टेक्स्ट हमें चाहिए वो दिखता रहेगा, और वो हम कैसे देखेंगे, विजिट डॉट मल्टी लाइन एंट्री पे, विजिट डॉट मल्टी लाइन एंट्री पे। तो ये हो गया हमारा न्यू मल्टी लाइन एंट्री। ठीक है, तो विजिट डॉट न्यू मल्टी लाइन एंट्री ये हम करेंगे, जहाँ पे हम हमारे डेटा को व्यू करेंगे। ठीक है, तो व्यू टेक्स्ट या व्यू डेटा करते थे इसको, है ना, व्यू डेटा, हाँ व्यू डेटा। ठीक है, और इक्वल टू व्यू डेटा नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया। अब इसको हमें यूज़ करना है, किस तरीके से हम इस व्यू डेटा को यूज़ करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इस व्यू डेटा, जो हमारा व्यू डेटा है उसमें हमने क्या मंगाया, विजिट डॉट मल्टी लाइन एंट्री, मल्टी लाइन एंट्री है। अब इसी में मुझे सेट कराना है मेरे डेटा को, जो भी इस फाइल का डेटा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, व्यू डेटा पे हम कर देते हैं हमारा सेट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हम कर देते हैं यहाँ पे व्यू डेटा डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट सेट करेंगे हम व्यू डेटा पे, जो भी हमारा स्टैटिक कंटेंट आया होगा, जो भी हमारा कंटेंट होगा, तो वो हम कहाँ से लेके आएंगे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हमारी स्ट्रिंग, क्योंकि हम डेटा को स्ट्रिंग में व्यू करना चाहते हैं, और इसके अंदर हम पास कर देंगे क्या हमारा ये बेसिकली जो आउटपुट आया है ना, आउटपुट डॉट स्टैटिक रिसोर्स। ठीक है, आउटपुट डॉट स्टैटिक रिसोर्स, तो जो भी आउटपुट आया होगा, सॉरी रिसोर्स नहीं, आउटपुट डॉट स्टैटिक कॉन्टेंट, स्टैटिक कॉन्टेंट, जो भी उसका क्या होगा कंटेंट होगा वो हम पास करने या पास कर देंगे यहाँ पे। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक विंडो एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं बेसिकली डब्ल्यू वेरिएबल से, और यहाँ हम करते हैं फाइंड डॉट करंट ऐप, करंट ऐप। ठीक है, फाइंड डॉट करंट ऐप, और उस करंट ऐप पे हम क्या करते हैं, न्यू विंडो देते हैं। जैसे कि क्या होगा कि हम जो हमारी करंट ऐप पे होंगे उस पर एक न्यू विंडो खुल जाएगी विथ ऑल दिस फंक्शनैलिटीज, जिसमें हम अपनी फाइल्स को क्या कर पाएंगे, व्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो इस न्यू विंडो के अंदर हमारा क्या होना चाहिए, इस न्यू विंडो के अंदर स्ट्रिंग में हमारा डेटा होगा, तो स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे रिजल्ट डॉट स्टैटिक स्टैटिक नेम दे देता हूँ, है ना, रिजल्ट डॉट स्टैटिक नेम। तो जो हमारा स्टैटिक नेम है वो हमने क्या रखा हुआ है, न्यू फाइल रखा हुआ है ना नेम, और ये रीड डेटा जो है क्या हमारा स्टैटिक कंटेंट है ना। तो स्टैटिक नेम जो भी हमारा होगा, यहाँ से जो भी नेम आ रहा होगा, ठीक है, वो नेम यहाँ पे सेट हो जाएगा, और हमारी वो फाइल उस नेम के साथ खुल जाएगी। कौन सी नेम के साथ, उस न्यू फाइल नेम के साथ खुल जाएगी। ठीक है, तो रिजल्ट डॉट स्टैटिक नेम, और स्टैटिक नेम के बाद हमने क्या किया कि यहाँ नीचे का डब्ल्यू डॉट सेट कॉन्टेंट कर दिया, कि हमारी विंडो पर ये कॉन्टेंट सेट करिए, सेट
कंटेंट कर देते हैं। तो ये हमारा सेट कंटेंट फंक्शन हो गया। तो इस विंडो पे हम कुछ कंटेंट सेट करना चाह रहे हैं और वो कंटेंट सेट करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिजल्ट डॉट स्ट्रिंग एक फंक्शन है, उसके अंदर रिजल्ट डॉट स्टैटिक नेम हमने पास किया हुआ है। अच्छा ठीक है, ये तो सही है। अच्छा ओके ओके ओके, तो इस न्यू विंडो को हमें एक फंक्शन में रखना होगा। एक मिनट। तो यहाँ पे ये जो है न्यू विंडो फंक्शन के अंदर रहेगा, इसके बाहर हमें लिखना है हमारा कोड जो भी हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये W हो गया फाइंड करंट ऐप और रिजल्ट डॉट स्टैटिक नेम से हमारा विंडो खुल जाएगा। इसके बाद हम विंडो पे सेट कंटेंट कर देंगे हमारा सेट कंटेंट। ठीक है, तो विंडो डॉट सेट कंटेंट, सेट कंटेंट के अंदर हम एक कंटेनर लेंगे जो कि क्या होगा, स्क्रोलेबल होगा, है ना। तो कंटेनर को स्क्रोलेबल कैसे बनाएंगे, न्यू स्क्रॉल करके, न्यू स्क्रॉल। ठीक है, तो कंटेनर जो भी आएगा आपका जिस पे टेक्स्ट लिखा होगा वो अब स्क्रोलेबल बना देंगे। ठीक है, और क्या होनी चाहिए यहाँ पे, हमारा इनपुट होना चाहिए यहाँ पे, जो भी हम इनपुट ले रहे थे। ठीक है, जो भी हम इनपुट यहाँ से ले रहे थे ना वो यहाँ पे आना चाहिए, जो भी एंट्री वहाँ पे जाएगी, है ना, न्यू मल्टी लाइन एंट्री। अच्छा, एक मिनट। बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये व्यू डेटा है ना हमारा, व्यू डेटा। तो ये हमने कर दिया इसको व्यू डेटा। ठीक है, तो जो भी डेटा हमने यहाँ पे सेट किया होगा व्यू करने के लिए, टेक्स्ट बेसिकली हमारा वो यहाँ पे हमको देखने लगेगा। तो ये कुछ करना है हमें, और इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे कि इसके लिए भी नीचे चलते हैं। डब्ल्यू डॉट सेट कॉन्टेंट हो गया, डेटा इस पर सेट हो गया। डेटा सेट होने के बाद इसको थोड़ा रिसाइज कर देते हैं, इसका एक साइज दे देते हैं हम रिसाइज, और इसके अंदर हम लेंगे फाइंड डॉट न्यू साइज। फाइंड डॉट न्यू साइज के अंदर अब हम इसमें 400 पास कर देते हैं ताकि एक विंडो ऑब्जेक्ट की तरह खुल जाए, थोड़ा बड़ी साइज में खुल जाए। और फिर हम क्या कर देंगे, डब्ल्यू डॉट शो। ये हो गया हमारे पास हमारा कोड, और हम साथ में यहाँ पे क्या पास कर देंगे, हमारा विंडो पास कर देते हैं। ओके, तो ये एरर्स है यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हमने ये ओपन बटन को यूज़ नहीं किया होगा शायद, तो ये हम जाके यहाँ पे ओपन बटन यूज़ कर देते हैं और ये हो गया हमारे पास। तो भी कुछ एरर्स हैं, अच्छा ये हमारे पास रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट नाम तो हमने रखा नहीं ना, हमने इसका नाम क्या रखा, आउटपुट रखा है। तो यहाँ आउटपुट यूज़ करना होगा, आउटपुट। ठीक है, ये हमारा आउटपुट और ओपन फाइल डायलॉग। तो बेसिकली हम यहाँ पे शो करने जा रहे हैं ओपन फाइल डायलॉग को, तो ओपन फाइल डायलॉग कैसे यूज़ करेंगे वो भी हमको देखना है। एरर और कहाँ पे आ रहा है, रीड डेटा पे आ रहा है। तो रीड डेटा पे आयो यूटिल डॉट रीड ऑल, ये यूज़ तो किया हुआ है हमने, ये क्यू डेटा टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स इन कन्वर्जन टू फाइंड डॉट स्टैटिक रिसोर्स, रीड डेटा इज एन इनवैलिड टाइप। ओके, इसको फिगर आउट करते हैं, ये क्यू एरर दे रहा है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, तो यहाँ पे मुझे बेसिकली एक अंडरस्कोर लगाना होगा, राइट। तो ये अंडरस्कोर मैं जैसे ही लगाऊंगा तो ये रीड डेटा अब बेसिकली बाइट डेटा को ले लेगा। ठीक है, तो ये ले तो रहा है, ठीक है, रीड डेटा अभी भी ये एरर ही दे रहा है, टू मैनी आर्ग्यूमेंट इन कन्वर्जन। चलिए ठीक है, आगे कोड लिखते हैं फिर इसको मैं हैंडल करने की कोशिश करूँगा। रीड डेटा, राइट, रीड डेटा, डेटा आया है आई यूटिल डॉट रीड ऑल, हम इसको रीड कर रहे हैं, करने के बाद डेटा पास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम इसका कोड आगे तो लिख ही लेते हैं जो हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम विंडो, जब विंडो ऑब्जेक्ट हमने यूज़ कर लिया तो ये पूरा का पूरा हमारी विंडो पे दिखने लगेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये है ओपन फाइल डायलॉग, इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे। ओपन फाइल डायलॉग जो हमारे पास है, ओपन फाइल डायलॉग डॉट, अब हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, सेट फाइल नेम। ठीक है, सेट फाइल नेम करना है, ओपन फाइल डायलॉग डॉट सेट फाइल नेम, तो हमने सेव के लिए किया था, यहाँ पे हमें सेट फिल्टर करना है। ठीक है, कि कौन सा फाइल हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कहाँ से एक्सेस कर रहे होंगे इसको, स्टोरेज से एक्सेस कर रहे होंगे हमारी। ठीक है, स्टोरेज डॉट न्यू एक्सटेंशन फाइल फिल्टर, ये एक फंक्शन होता है हमारे पास, स्टोरेज डॉट न्यू एक्सटेंशन फाइल फिल्टर, एट द रेट नहीं लगाना है, स्टोरेज डॉट न्यू एक्सटेंशन फाइल फिल्टर, सॉरी वो हमारा एम्परसेंट साइन नहीं लगाना है। और उसके बाद हम यहाँ पे ये एक फंक्शन है बेसिकली, तो स्टोरेज डॉट एक्सटेंशन फाइल फिल्टर, ये बेसिकली क्या एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा एक्सेप्ट करेगा, और किस फॉर्मेट में करेगा, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में करेगा। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग्स के अंदर में डॉट टीएक्सटी पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद सिंपली हमें इसको क्या कर देना है, सेट फिल्टर फंक्शन ख़त्म होने के बाद हमें इसको कर देना है शो।
तो जैसे ये खत्म हुआ हम ओपन फाइल डायलॉग जो हमारा है उसको हम कर देंगे शो, और ये रहेगा मेरा कुछ ऐसा, तो ओपन फाइल डायलॉग डॉट शो, ठीक है। अच्छा एक एरर कहीं पर है हमारा, वो एरर मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा ये रीड डेटा भी रिजॉल्व हो चुका है। अच्छा ये हमने कुछ गलत किया क्या? एक मिनट देख लेते हैं। ओके तो हमारे पास ये एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ हमें न्यू स्टार्टिंग रिसोर्स यूज़ करना है ना। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ तो कई फंक्शंस में गलतियाँ हो जाती है, तो न्यू स्टार्टिंग रिसोर्स यूज़ करना है। ओके तो यहाँ तक हमारा ये जो पूरा का पूरा कोड है वो लगभग कंप्लीट है। अब मुझे क्या करना है, इस ओपन बटन को यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब इस कोड को हम रन करते हैं। गो रन मेन डॉट गो। ओके तो यहाँ पर हमारा एडिटर खुल चुका है, ठीक है। तो सेव हम कर सकते थे, पहले ही हमने देखा था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या हम इस पर ओपन कर पा रहे हैं फाइल, ओपन टेक्स्ट फाइल। तो अगर मैं, ये भी खुल गया हमारा बॉक्स, अगर मैं कुछ फाइल ओपन करना चाहूँ, जैसे आपके सामने मैंने जो सेव किया था वो सेव किया था मैंने कौन सा, ये एडिटर वाला फाइल है ना, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन किया, नई विंडो खुली और जो डेटा इस पर था वो आ गया, ठीक है। तो ये डेटा मैंने सेव किया था, वो हमारे हमने वो पिपकोडर वाली भी एक फाइल सेव की थी ना, न्यू फाइल ज़ीरो थी शायद वो, जो हमने डॉक्यूमेंट में सेव की थी, वो भी ओपन करके देख लेते हैं। न्यू फाइल ज़ीरो ये थी क्या? ओपन किया, ये देखिए पिपकोडर सर अमेजिंग, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, फाइन और गो का यूज़ करके एक छोटा सा टेक्स्ट एडिटर बनाया। और एक मज़े की बात, कट कॉपी पेस्ट आपको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। फाइन में जो टेक्स्ट एडिटर आता है, मतलब जो एंट्री यहाँ पर हम ले रहे हैं, वहाँ अगर राइट क्लिक करें तो कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसको आप कट कॉपी पेस्ट आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा फाइल, आप नई फाइलें क्रिएट करें, ठीक है, इसको कुछ भी टाइप करें, इसको सेव करें, उस नाम से फाइल सेव हो जाएगी, सेव कर दीजिए, एक और फाइल ऐड कर दीजिए, यहाँ कुछ और ऐड कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए, तो फाइल टू से एक नई फाइल और ऐड हो जाएगी, ठीक है, सेव कर दीजिए, फिर इनको आप ओपन करके देख सकते हैं। तो जो भी फाइल आपने सेव की उसको आप ओपन करिए जाके, ठीक है, ये न्यू फाइलें हमने सेव की थी इतनी सारी, ओपन करिए तो वो टेक्स्ट आपको दिखता रहेगा, है ना। इस तरीके से ये हमने एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर क्रिएट किया बाय यूजिंग फाइन, राइट। तो आपको मैं एक छोटा सा टास्क दूंगा जो कि अगर आप ट्राई करेंगे विद गो एंड फाइन, तो आई एम रियली रियली श्योर कि आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिल जाएगी। मैं क्या चाहता हूँ कि ये हम ओपन तो कर पा रहे हैं यहाँ से फाइल, ठीक है, ओपन कर पा रहे हैं यहाँ से फाइल, और ओपन करके हम इस फाइल का कंटेंट देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी फाइल अगर मैं ओपन कर लूँ, जो फाइल हमने अभी बनाई थी, ठीक है, ये फाइल जैसे मैंने ओपन कर ली, तो इस पर ऐसा कुछ कंटेंट हमने लिखा हुआ था, ठीक है, कोई भी कंटेंट लिखा हुआ था। मैं क्या चाहता हूँ कि आप एक छोटी सी फंक्शनैलिटी इसमें और ऐड करें, आप इस बॉक्स के अंदर एक सेव बटन ऐड कर दें, ठीक है, या इस विंडो, ये भी एक विंडो ही है, तो इसके अंदर आप एक सेव बटन ऐड कर दें, जो कि क्या करें, आपको हेल्प करे कि जैसे ही आप कोई फाइल खोले और उस पर कुछ आप लिखे और उसको अगर आप सेव करें तो आपकी फाइल एडिट होके क्या हो जाए, सेव हो जाए। बहुत इजी फंक्शनैलिटी उसकी भी होगी। वो आप कैसे करेंगे, वो आप ऐसे करेंगे कि जो सेव फंक्शनैलिटी हमने लिखी है वही फंक्शनैलिटी को आपको कुछ ना कुछ करके ओपन बटन के अंदर वाले फंक्शनैलिटी में फिट करना होगा, ठीक है। ईजी टास्क है, आपको अगर यहाँ तक समझ में आएगा तो वो खास आपके लिए, वो टास्क आपके लिए केक वॉक होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली डेवलपमेंट ऐसे ही की जाती है, कितना ही सिखा लो कम ही है, ठीक है। तो बात यही होती है कि मैं भी ये चीज़ सीख रहा हूँ, हमारी टीम पूरी की पूरी ये चीज़ सीख रही है। हमने गो पे कभी काम नहीं किया, हमने फाइन तो कभी सुना ही नहीं था, ठीक है, एक नया फाउंड है हमारे लिए, तो इस पर हम अब काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से हमने कुछ कुछ छोटी 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 चीज़ें निकाली कि भाई इसको यहाँ पे फिट करो, उसको वहाँ पे फिट करो, और बहुत जगह से हमने कोड उठाए भी हैं, ठीक है। ऑनेस्टली जो सच है वो सच है कि डेवलपमेंट ऐसे ही होती है, ठीक है, अलग अलग जगह से आपको कोड रेफर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो कोड फिट होगा नहीं होगा, कोड फिट होगा तो मुझे उसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, कौन से स्कोप के अंदर मैं उसको डाल सकता हूँ, कहाँ रख सकता हूँ, कहाँ उसको प्लेस कर सकता हूँ कि मैं उसको अपने कोड में फिट कर पाऊँ, ठीक है। तो इस तरीके से ही डेवलपमेंट होती है। तो एक छोटा सा टास्क आप लोगों के लिए भी है कि आप इसको जो हमारा ओपन फाइल वाला विंडो है वहाँ पे आप एक सेव बटन ऐड कर सकते हैं और उसको भी एडिट करके सेव कर सके। ये छोटी सी फंक्शनैलिटी आप डालने की इसमें कोशिश कीजिएगा। बाकी तो ऐसे ही टेक्स्ट एडिटर हमने बनाई है, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई होप फाइन और गो पे आपको और थोड़ा सा इंसाइट मिला होगा
कि कैसे हम फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं, रीड ओपन कर सकते हैं, टेक्स्ट इनपुट ले सकते हैं, ठीक है, सेव कर सकते हैं, फाइल ओपन कर सकते हैं, एक छोटा सा टेस्ट एडिटर जैसा बना सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल दिस वॉज द ऐप एंड विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।